डायनासोर और बड़ी छिपकली। एक बड़ा जंगल था, उस जंगल में डायनासोर रहा करता था। उस जंगल के चारों ओर बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक बड़ी छिपकली रहा करती थी। एक दिन मादा डायनासोर ने 3 अंडे दिए और उनके देखभाल करने लगी। एक दिन बड़ी छिपकली पानी से बाहर आकर, आज बहुत जोरों से भूख लग रही है, चलो जंगल में जाकर देखती हूँ। छिपकली जंगल में घूम रही थी, इतने में उसकी नजर डायनासोर के अंडे पर पड़ी। अरे वाह, इतने बड़े अंडे, इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा, वाह। इतने में उन 3 अंडों में से एक अंडा फूट जाता है और डायनासोर का बच्चा बाहर आ जाता है। वह बच्चा जोर जोरों से चिल्लाता है। तभी वहां डायनासोर अपने बच्चे की आवाज सुनकर आ जाती है। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आओगे, मैं तुम्हारे भोजन के लिए ही गई थी। ठीक है माँ, भोजन लाओ जो तुम लेने गई थी। बस बेटा, अभी लाती हूँ, तुम अपने भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर मादा डायनासोर वहां से भोजन के लिए निकल जाती है। तभी वहां बड़ी छिपकली आ जाती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। अरे दुष्ट छिपकली, यहां से चली जा, मेरे होते हुए तू मेरा और मेरे भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू नन्ही सी जान है, तू मुझे ये अंडे खाने से कैसे रोकेगा, बोल। तू हमारे ताकत को नहीं जानती, हमारी एक दहाड़ ही पूरे जंगल में गूंजती है, समझी। ये कहकर बेबी डायनासोर मदद के लिए चिल्लाता है और उसकी आवाज उसकी माँ डायनासोर तक पहुंच जाती है। अरे ये तो मेरे बच्चे की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे जल्दी उसके पास जाना चाहिए। मादा डायनासोर जल्दी ही अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर बड़ी छिपकली वहां से भाग जाती है। माँ माँ, मैंने अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दिया, देखो। हाँ बेटा, तुम अब थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो कि उस दुष्ट छिपकली का मुकाबला कर सको। वह अभी चली गई है, लेकिन वो दोबारा फिर आएगी, जरा संभल कर रहना बेटा। ये कहकर मादा डायनासोर अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन वह भोजन की तलाश में फिर से चली जाती है। वो मादा डायनासोर नदी के किनारे जाती है, वहां बड़ी छिपकली आ जाती है। तुम पानी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी। ये कहकर छिपकली पानी में चली जाती है और मादा डायनासोर भोजन लेकर वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है। तभी वहां नर डायनासोर उन बच्चों का पिता आता है, उसे सारी बात पता चलती है। ठीक है, अब तुम एक काम करो, यहां से जंगल में चली जाओ, उस बड़ी छिपकली को तो मैं अब देख ही लूंगा। ये सुनकर मादा डायनासोर जंगल में चली जाती है और नर डायनासोर बच्चों के साथ उनकी देखभाल में रहता है। तभी वहां वो बड़ी छिपकली आती है। अरे वाह, लगता है ये अंडे अकेले ही है, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इन्हें खाकर रहूंगी। जैसे ही छिपकली उन अंडों के पास जाती है, तभी अचानक नर डायनासोर वहां आके
छिपकली को अपने मुंह में दबाकर मार देता है और फिर डायनासोर के बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं। सुनो बच्चों, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं हर दम तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम चिंता मत करना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का हमेशा अंत होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।